हाज़रीन आइए एक ऐसे शायर के हुजूर आपको ले जाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि उस शायर के यहाँ उसके कलाम में ऐसा जादू है, ऐसा कमाल है कि वो सुनने वालों का दिल जीत लेता है। और यही वजह है कि साकीना का और मुंबई के हर दूसरे मुशायरे में उस शायर को बड़ी मोहब्बतों के साथ याद किया जाता है। हाज़रीन, शायर कहता है कि शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। हाज़रीन, एक ऐसे शायर को मैं आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूँ जिसकी शायरी में आपको मुख्तलिफ रंग देखने को मिलेंगे, जिसका ताल्लुक यूपी की सरजमीन इलाहाबाद से है। मैं मौसूफ़ को इस वक्त आपकी समातें देखते हुए आरिफ सैफी के इन मिसरों से दावत कलाम दे रहा हूँ कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अफजल इलाहाबादी से कि आप तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से नवाजें, पुरजोर तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। हाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही दिल लमाद शख्सियत के मालिक अब्दुल रऊफ चौधरी साहब की मोहब्बतें, अंसारुल्ला साहब का हुक्म और आपके दरमियान मेरी हाज़िरी, आरिफ नसीम खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये मेरी खुशबख्ती है कि उनकी मौजूदगी में मैं आज आपके रूबरू हूँ। बिना किसी तमीज़ के कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ। सदर मुशायरा नफीस मनिहार साहब की इजाज़त लेते हुए, मतला देखें इमरान भाई, मतला शेर पढ़ता हूँ। देखें कि तेरी तामीर हो जाऊं तेरी बुनियाद हो जाऊं, तेरी तामीर हो जाऊं तेरी बुनियाद हो जाऊं, तेरी तामीर हो जाऊं तेरी बुनियाद हो जाऊं, मैं खुशबू की तरह तुझ में कहीं आबाद हो जाऊं। खुशबू की तरह तुझ में कहीं आबाद हो जाऊं। और शेर पढ़ता हूँ बिना किसी तमीज के। मेरी मिट्टी के लोग भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, सैयद फिरोज साहब, तुफैल फारूकी साहब, सभी की दुआएं लेते हुए शेर पढ़ता हूँ जी। कि मैं खुशबू की तरह तुझ में कहीं आबाद हो जाऊं, मुझे प्रयाग से मंसूब अब करने लगी दुनिया। है है, मुझे प्रयाग से, मुझे प्रयाग से मंसूब अब करने लगी दुनिया, दुआ करना कि मैं फिर से इलाहाबाद हो जाऊं। इलाहाबाद हो जाऊं, वाह 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 वाह, दुआ करना कि मैं फिर से इलाहाबाद हो जाऊं, और मेरे हक में दुआ करना फरातो नील की मौजों। हाँ, मेरे हक में दुआ करना, मेरे हक में दुआ करना फरातो नील की मौजों, मैं गंगा और जमुना की तरह आबाद हो जाऊं। वाह 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 वाह, मैं गंगा और जमुना की तरह आबाद हो जाऊं, और मेरे मौला जिसे दुनिया सजाए अपनी पलकों पर, मेरे मौला जिसे दुनिया सजाए अपनी पलकों पर, मैं एक ऐसे सितारे की तरह ईजाद हो जाऊं। वाह वाह वाह, मैं एक ऐसे सितारे की तरह ईजाद हो जाऊं, और मुझे ये जिंदगी जंजीर सी लगने लगी अफजल, मुझे ये जिंदगी, मुझे ये जिंदगी जंजीर सी लगने लगी अफजल, जो ये तारे नफस टूटे तो मैं आजाद हो जाऊं। वाह वाह वाह, जो ये तारे नफस टूटे तो मैं आजाद हो जाऊं। और चार मिसरे पढ़ता हूँ यहाँ से, आरिफ नसीम खान साहब की मौजूदगी, ये चार मिसरे देखें। हर संगे मगरूर को तोड़ा जाएगा, हर संगे मगरूर को तोड़ा जाएगा, तूफानों के रुख को मोड़ा जाएगा। क्या बात है, क्या बात। हर संगे मगरूर को तोड़ा जाएगा, तूफानों के रुख को मोड़ा जाएगा, खाक वतन की अजमत पर कुर्बान है हम, हमसे कभी ये मुल्क न छोड़ा जाएगा। वाह 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 वाह, हमसे कभी ये मुल्क न छोड़ा जाएगा, सूरज के साए को सिमटते देखा है,
सूरज के साए को सिमटते देखा है, बढ़ने वाली शय को घटते देखा। क्या बात है। कहे दो बुलंदी पर न पतंगे इतराए, मैंने इनकी डोर को कटते देखा है। आहा, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब अफजल भाई, वाह 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 वाह। और आखिर में चार मिसरे इसी तसलसल में देख लें, फिर मैं गजल के कुछ शेर आपको जरूर पढ़ूंगा। फूलों पर तेजाब लगाया जाएगा, फूलों पे तेजाब लगाया जाएगा, कलियों की रंगत को उड़ाया जाएगा। क्या बात है। अहले चमन को होश सुनाया तो अफजल, सारा वतन गुजरात बनाया जाएगा। कहने क्या कहने, वाह वाह, सारा वतन गुजरात बनाया जाएगा। वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। गजल के चंद अशआर जी भाई अता करें। दवाए दर्द गमो इज तेरा अब क्या देता। क्या बात है। दवाए दर्द गमो इज तेरा अब क्या देता, वो मेरी आंखों को रंगीन ख्वाब क्या देता। वाह 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 वाह, वो मेरी आंखों को रंगीन ख्वाब क्या देता। और ये शेर अरब नसीम खान साहब के कदमों में रखता हूँ, आप तमाम ही हजरात की दुआएं मिलनी चाहिए। देखिएगा इमरान भाई जी जी अता करें। मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या देता। क्या कहने, गुलाब था उसको वाह 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 वाह, गुलाब क्या देता। क्या कहने क्या कहने, वाह। मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वाह। मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या दे। क्या कहने क्या कहने, वो खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या देता। और अपने नौजवान दोस्तों को एक मशवरा, शेर देखें खालिद गजल का। शादाब भाई। वो जिसने देखा नहीं इश्क का कभी मकतब, वो जिसने देखा नहीं इश्क का कभी मकतब, मैं उसके हाथ में दिल की किताब क्या देता। वाह वाह वाह, मैं उसके हाथ में क्या दिल कहने, की क्या कहने, किताब क्या देता। और ये शेर नाज़िम मुशायरा की नज़र करता हूँ। जी जी भाई अता करें। मेरे नसीब में मिट्टी का एक दिया भी न था, मेरे नसीब में मिट्टी का एक दिया भी न था, मेरे नसीब में मिट्टी का एक दिया भी न था, तेरी हथेली पे मैं आफताब क्या देता। क्या बात है क्या कहने, वाह 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 वाह, मैं फुताब क्या देता। सवाल मैंने किया जो वफा के कातिल से। क्या बात है। सवाल मैंने किया जो वफा के कातिल से, वो लाजवाब था मुझको जवाब क्या देता। क्या कहने, वो लाजवाब था मुझको जवाब क्या देता। मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या देता। वाह 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 वाह।